सिद्धार्थ एक बार फिर अनोखे अंदाज में दिखे। शिक्षक दिवस समारोह से लौटते ही सीधे गांधी मैदान पहुंच गए और गांधी मैदान में उन्होंने बच्चों को भूंजा खिलाया। साथ ही एसीएस ने खुद भी भूंजा का आनंद लिया और बता दें आपको भूंजा बेचने वाले से लंबी बातचीत की। काफी देर बातचीत के बाद भी भूंजा बेचने वाले ने उन्हें नहीं पहचाना। एसीएस ने कहा कि इन लोगों को देखकर लगता है कि विकास अगर हो तो इन लोगों का होना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत के बाद दिन भर में 100 रुपए कमाते हैं। गांधी मैदान में शिक्षा विभाग के एसीएस से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह खत्म हुआ है और उसके बाद सीधे शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं, देख सकते हैं, गांधी मैदान पहुंचे हैं और गांधी मैदान में चना खरीद रहे हैं। और यहां पर देखिए कि किस प्रकार से चना के दुकानदार जो हैं, जो चना विक्रेता हैं, उनके साथ बैठकर यहां जमीन पर और शिक्षा विभाग के एसीएस जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि बिक्री कितनी होती है और यहां पर जो है रोज कितने बजे आते हैं, तो तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं। खुद देखिए, यहां पर अभी टेस्ट भी लेंगे कि जो मूंग है और जो चना है उसको मिक्सचर करा के और किस प्रकार से अभी खाएंगे। तो ये शिक्षा विभाग के एसीएस का ये अंदाज जो है, इससे पहले भी आप देखते होंगे, कभी लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, कभी सड़कों पर जो है स्कूली बच्चों को मोटिवेट करते हैं स्कूल जाने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चना दुकानदार को या विक्रेता को ये जानकारी शायद नहीं है कि वो उनके सामने जो ग्राहक है वो कौन है, लेकिन वो प्रेम से जो है इस वक्त देखिए कि नमक मिर्च लगाकर जो ग्राहकों को परोसते हैं, इसी प्रकार से एसीएस को भी ये दे रहे हैं। और देखिए ये अंदाज है, देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं वो भी नहीं जान रहे हैं कि सामने कौन है, लेकिन पहले शिक्षा विभाग के एसीएस ने उन दोनों बच्चों को भी पहले चना खिलाया है, उसके बाद ये खुद खा रहे हैं। ये गांधी मैदान की तस्वीर है गेट नंबर 1 की और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं। और देखिए न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर। और जरा विक्रेता से बात करते हैं, कौन है सर? हम यहाँ पर पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, क्या बोले आप? चना मांगा दे दिए और कुछ पूछे नहीं, यही ले प्याज मिल जाए। जानकारी नहीं है कि ये साहब शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जन, नहीं जन कैसा लगा अब जानकर? अब अच्छा लगा जानकर। जो एसीएस हैं यहाँ पर वो खुद जो है गांधी मैदान में इसी प्रकार से आते हैं। और देखिए पैसे जो हैं वो अभी खुला पैसे जो है वो भी निकाल कर चेंज जो है यहाँ पर लाए हैं और अभी विक्रेता को दे रहे हैं। तो ये अंदाज है, हम सीधे बातचीत करेंगे। सर ये औरों से जुदा करता है आपका ये अंदाज सर, गांधी मैदान में यूं चना खाना आम लोगों की तरह? नहीं, अभी शिक्षक दिवस से मैं लौटा हूँ और कार्यक्रम से, तो वही मैं देखने आया था गांधी मैदान जी। तो चना खाया, मन हुआ कि चना खाया जाए। स्प्राउट्स है, देखिए मूंग है। लेकिन आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं वो तो गाड़ी में बैठे रहते हैं, चालक और बॉडीगार्ड जो है उनके लिए खरीदारी करते हैं, लेकिन आपको हमेशा देखते हैं। मैं इससे बात कर रहा था कि दिन कितना दिन में बना लेता है और कितना कमाई होता है, और साथ ही साथ वो नारियल वाला कहाँ चला गया? नारियल वाला भी था जी, वो पता नहीं चला गया जी। तो इसके इकोनॉमिक्स के बारे में और इसके बारे में बात कर रहा था। और नींबू के दाम भी बढ़ गए हैं बहुत, टमाटर के भी दाम बढ़ गए हैं। अच्छा, तो बेचारा कठिनाई में है, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आम लोगों से जुड़ने का एक अलग आपका अंदाज है, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी खुश रहे। इनकी इकोनॉमिक्स है और इनका रहन सहन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका विकास होना चाहिए जी। और मतलब ये सबसे पायदान में सबसे गरीब आदमी है, मेरे ख्याल से शायद 100-200 रुपए का सामान होगा इसके बाद, और इसी से उसकी जिंदगी चलती है, यही पूंजी है जीवन, यही उसकी जिंदगी की पूंजी है। इसलिए जब तक इसके स्तर पर आप सोचेंगे नहीं तो आप तो विकास नहीं कर पाएंगे ना। आप तो अगर ऊपर ऊपर बात करेंगे या बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो इसके बारे में ज्यादा सोचना जरूरी है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि एसीएस की सोच क्या है। इन्होंने साफ कहा कि अगर विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे तबके के लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो एक तरह से जीवन यापन करने के लिए छोटी सी पूंजी लगाते हैं और इसी पूंजी से दिन भर ग्राहकों को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। भले इन्हें पता नहीं है ऐसे विक्रेता को कि इनके सामने ग्राहक कौन है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग के एसीएस उनसे खरीदारी किए हैं तो वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।